हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। फागनीस होम सेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं अगले वीडियो में आप लोग को दिया पेंटिंग करके दिखाई थी, आज मैं फ्लावर पॉट पेंटिंग करके दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये पुराना वाला पॉट है मेरा, ये 10 साल पुराना पॉट है। 10 साल पहले मैं इस तरह का डिजाइन बना के पेंटिंग की थी, इसको मैं रीपेंटिंग करने वाली हूँ। ये पेंट्स हैं, फैब्रिक पेंट्स, सैंड पेपर, ब्रशेस हैं, एक स्केच है, एक पेंसिल है। एक कटोरी में मैं पानी रखी हूँ, साथ में कॉटन कपड़ा रखी हूँ, जिससे कि मैं ब्रश धोऊंगी और पोछूंगी। चलिए चलते हैं फिर पॉट पेंटिंग के ओर। देखिए, ये मैं पहले से पेंट करके रखी हूँ, इस तरह से डिजाइन बना के रखी हूँ। देखिए, देखने में ये कितना सुंदर दिखाई देता है। ये एक रकम का डिजाइन मैं बनाई हूँ, ये और एक रकम का डिजाइन मैं बना के रखी हूँ। चारों तरफ से मैं घुमा के आप लोग को दिखा देती हूँ। चलिए फिर चलते हैं पुराना वाला पॉट को रीपेंटिंग करने के लिए। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ। पहले मैं सैंड पेपर से पुराना वाला पॉट को रगड़ कर साफ करके देख लेती हूँ। अब मैं पुराना पॉट को रगड़ कर साफ कर ली हूँ। अब मैं इसमें व्हाइट कलर डालूंगी। ये बड़ा वाला ब्रश है। इस तरह से मैं पॉट का चारों हिस्सा में चारों साइड से कलर कर लूंगी, सफेद कलर लगा लूंगी। देखिए, मैं व्हाइट कलर लगा चुकी हूँ। अब ये सूख भी चुका है। अब मैं इसमें अपना पसंद का हिसाब से कलर डालने वाली हूँ। मैं स्काई ब्लू कलर ले रखी हूँ। ये बड़ा वाला ब्रश है, उसी से मैं पेंटिंग कर रही हूँ। पेंट करने के बाद मैं फिर से आप सब से मिलती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं ब्लू कलर लगा चुकी हूँ। अब ये सूख चुका है। अब मैं इसमें अपना हिसाब से अपना डिजाइन डालूँगी, स्केच पेन से डिजाइन डालूँगी पहले। देखिए, मैं इस तरह से ड्रॉ करके रखी हूँ। आप लोग को शायद हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको पेंट करने वाली हूँ। देखिए, अब मैं पेंट करने जा रही हूँ। पहले फ्लावर को मैं पेंट करूँगी। फ्लावर में मैं येलो कलर ले रही हूँ। ये फ्लैट वाला ब्रश है, फ्लैट वाला ब्रश से मैं पहले पेंट कर रही हूँ। अब मैं इसमें शेडिंग करूँगी। ब्रश को मैं धो ली हूँ, धो के पोछ ले रही हूँ। पोछने के बाद व्हाइट कलर डालूंगी।
इस तरह से मैं फ्लावर को पेंट कर लूँगी। पेंट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए इस तरह से मैं फ्लावर को कलर कर चुकी हूँ। अब मैं इसका पत्ता को कलर करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से मैं पत्ता को पेंट कर ली हूँ। इसी तरह से मैं बाकी फूल और पत्ता को पेंट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से आप सबसे मिलती हूँ। देखिए अब मेरा कलरिंग करना ख़त्म हो चुका है। मैं इस तरह से कलर पेंट करके रखी हूँ, देख लीजिए आप लोग ठीक तरह से। ये मेरा अपना तरीका है, अपना स्टाइल है, इस तरह से मैं बनाई हूँ। आपको यदि पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।